गुजरात का केवड़िया स्थान है। यहाँ से हम लोग स्टेचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए बस के द्वारा जा रहे हैं। साथियों, मूर्ति तक जाने का ये रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ दर्शक बहुत कम आए हुए हैं और ये हम लोग इस रास्ते से आगे जाएंगे। और इस स्टैचू को बनाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी, जो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 31 अक्टूबर 2013 में इसका शिलान्यास किया था और 31 अक्टूबर 2018 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। साथियों, ये केवड़िया ग्राम जिला नर्मदा गुजरात में, जहां हम लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, ये वहां पर एक झरने का दृश्य है, कितना सुंदर है। ये पास से देखिए, हाँ सीना तक वहाँ जो जाली दिख रहा है, बटन तीसरे नंबर के बटन के बीच में वहाँ से दिखता है वहाँ का विहंगम। हाँ यही के 3500 रुपया बिहल बा। साथियों, ये सरदार पटेल के पैरों के पास जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और ये इस तरह से सरदार पटेल के कदमों में लोग जाते हैं। दोनों पैर नहीं दिखाए जा सकते, ये सरदार पटेल जी का एक पैर है और ये हम दोनों पैर खींच देंगे, दूसरा पैर है। और ये देखिए, ये प्रतिमा, हम प्रतिमा के पास ही खड़े हैं, अब ऊपर तक नहीं दिखा सकते आप लोगों, ये इस तरह से बनी हुई है। साथियों, ये देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पैर किस तरह से बना हुआ है, ये ये, ये नीचे इस प्रकार से है। मैं इसके चारों तरफ दिखा रही हूँ घूम के, ये ये एक पैर है। मैं सरदार पटेल की प्रतिमा का एक चक्कर लगा रही हूँ। साथियों, देखिए किस तरह से है। ये पीछे का भाग है, पैर का एड़ी कह दीजिए, और ये
पीछे से दूसरे दूसरे पैर के पास पास से चल रही हूँ। ये सरदार पटेल जी का दूसरा पैर है। ये जो दूर से पैर में चप्पल जैसे आकृति दिखती है, ये उस तरह से ये बंधी हुई है। ये नीचे तक है इस तरह से। अंगूठे का नहा भी देख लीजिए। ये देखिए नाखून कैसे बनाए गए हैं अंगूठों में। उंगली के ये उंगलियां हैं। ये नाखूनों की आकृति इस तरह से है। जो दूर से इस प्रकार से दिखाई नहीं देते। ये पैरों के ये दोनों पैरों के बीच का स्थान है। ये इस तरह से इनके कुर्ते तक दिखाई देता है। ठीक, बाकी ऊपर